हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। थैंक यू। मिशन 2022 में स्वागत है आप 12 क्लास के सभी छात्र छात्राओं को। सवाल नंबर 22 जो डिटरमिनेंट चैप्टर से लिया गया है, स्वागत है इसमें। फर्स्ट कॉलम में 111111, सेकंड कॉलम में ए बी सी और थर्ड वाला कॉलम में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका वैल्यू प्रूफ करना है ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एलएचएस आपका लिख लेते हैं हम, एलएचएस है 111 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर R1 के सदस्य में से R2 को घटा दे, अगर R1 के सदस्य में से R2 के सदस्य को घटा दे एंड R2 के सदस्य में से R3 के सदस्य को घटा दे तो हमें जीरो मिल जाएगा। देखिए डिटरमिनेंट के प्रश्न में जीरो का बहुत महत्व होता है, जितना ज्यादा जीरो मिल जाएगा उतना आपका काम आसान हो जाएगा, है ना। तो हम R1 के सदस्य में से R2 के सदस्य को जब माइनस करेंगे तो 1 में से 1 घट के यहाँ जीरो आ जाएगा, A में से B घटेगा तो A माइनस B हो जाएगा, और A स्क्वायर में से B स्क्वायर घटेगा और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद R2 के सदस्य में से R3 के सदस्य को घटाएंगे, 1 में से 1 घट के 0 हो जाएगा, b में से c घट के b माइनस सी हो जाएगा, अब b स्क्वायर में c स्क्वायर घटेगा तब b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हो जाएगा, और r3 के सदस्य को हम सेम टू सेम उतार देते हैं 1 c और c स्क्वायर। अब सबसे ज्यादा जीरो आप देखिएगा तो आपको कॉलम नंबर एक में नजर आ रहा है, दो गो जीरो, सबसे ज्यादा जीरो डिटरमिनेंट के जिस रो या जिस कॉलम में हो उसी रो या उसी कॉलम में डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया जाता है, विस्तार किया जाता है। आप देख सकते हैं कि दो गो जीरो आपको कहां मिल रहा है, कॉलम नंबर फर्स्ट में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे सी वन से विस्तार करने पर, सी वन से विस्तार करने पर, तो दो जीरो है इसको नहीं लिखते हैं क्योंकि जीरो के साथ कुछ भी लिखेंगे तो सारा जीरो हो जाएगा गुना करने के बाद, तो वन लिखते हैं, यहां का चिन्ह प्लस होता है तो एक प्लस में लिख दिए, इसका रो नंबर तीन खत्म, कॉलम नंबर एक खत्म, एक दो तीन चार, इसके साथ ए माइनस बी लिखा जाएगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जाएगा, बी माइनस सी लिखा जाएगा और लिखा जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखा जाएगा। अब क्रॉस गुना करके घटा दीजिए, पहले ऐसे गुना करेंगे और तब माइनस देकर ऐसे गुना करेंगे, हो गया a माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी माइनस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a माइनस बी एज इट इज सेम टू सेम आ गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, माइनस में b माइनस सी लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिया। अब ए माइनस बी कॉमन मिल रहा है, बी माइनस सी कॉमन मिल रहा है, तो ए माइनस बी कॉमन ले लीजिए, बी माइनस सी कॉमन ले लीजिए, और बचा यहां पर बी प्लस सी, अब बचा यहां पर ए प्लस बी, यहां पे ए माइनस बी अपने जगह पर रहा, बी माइनस सी भी अपने जगह पर रहा,
और यहाँ हो गया b प्लस सी और माइनस में a और माइनस में b, तो यहाँ भी आपका प्लस माइनस b कट गया है। अब आपका रिजल्ट बचा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, और इतना ही लाना था हम लोगों को, आर एच एस प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि डिटरमिनेंट का ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो दो नंबर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए ध्यान में रखिएगा। तो 23 नंबर सवाल लेकर आपके बीच आते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए।